Okay. Yes. You can speak. Omagantamirandasya gyananjanasalakaya chakshurunmilitam jena tasmai sri gurave nama gurave gaurachandraya radhikayayaistadale krishnaya krishna bhaktaya tadbhaktaya namo nama sri krishna chaitanya prabhu nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurubhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvapratham Mere Guru Pada Padma Nitalila Bravishnam Vishnu Pada Ashtodara Satya Sri Sri Srimad Bhakti Sri Roop Siddhanti Goswami Maharaj Ki Charno Kamal Mein अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री 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 मद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव अंड वैष्णव वैष्णव, इसलिए मेरे को प्रश्न की गई है, गुरुदेव रहते समय आप परिक्रमा में थे, लेकिन परिक्रमा का विषय में आपका क्या अनुभूति है? सो श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे से सब स्थान हरि भवामी प्रणय भकत संगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु और श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ पर लीला की है वो सब स्थान को प्रेमी भक्तों को साथ में वो परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए प्रेमी भक्तों में हमारे श्री गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो थे राधा रानी की एक सखी, एक मंजरी, ये रमण मंजरी है। साधारण व्यक्ति जब कोई हरिकथा बोलते हैं उसमें बड़ा रस होता है, बड़ा मीठा होता है। अगर कोई राधा रानी की कोई सखी, कोई मंजरी अगर कोई कथा बोलता है उसमें, तो उसमें बात क्या है फिर। इसलिए गुरुदेव परिक्रमा करते समय जो परिक्रमा का स्थल में जब गुरुदेव जाते थे बड़े भावाविष्ट हो जाते थे। हम स्वयं देखते थे गुरुदेव कैसे लीला स्थलियों को अपना ऊपर का कपड़ा जामा उतार करके वो लीला स्थली में साष्टांग गुरुदेव प्रणाम करते थे और वो ब्रज रस से प्रार्थना करते थे जैसे हमारे हृदय में वो लीला की स्फूर्ति प्राप्त हो। क्योंकि नारद जी भगवान कृष्ण से उन्होंने दो वर मांगे थे। पहला वर था, आपका कथा सुन करके किसको तृप्त नहीं होनी चाहिए। दूसरा वरदान था, आप जहाँ जहाँ पर ये मधुर से मधुर लीला की है अगर कोई शुद्ध भक्तों को साथ में वो स्थान में जाए और उनको मुखारविंद से वो हरि कथा को श्रवण करे और वहाँ का धूल अपना शरीर में लगाए, वहाँ का जैसे वहाँ का जो मधुर लीला हृदय में प्रकटित हो और हृदय से सारे अनर्थ मुक्त हो जाए। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म हम स्वयं देखा कितने भावाविष्ट होकर के वो लीला स्थलियों में सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे। विशेष विशेष करके जहाँ पर भगवान की मधुर मधुर से मधुर लीला हुई, जैसे श्री नंदगांव में श्री उद्धव कियारी, हम स्वयं देखा गुरुदेव जब उद्धव कियारी में वहाँ पर हरि कथा गुरुदेव बोलते थे। गुरुदेव बोलते थे यद्यपि हर स्थान का बड़ा महत्व है, लेकिन उद्धव कियारी की जहाँ महत्व है, जिस महत्व को स्वयं उद्धव जी कौन है? ये कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त उद्धव जी, कृष्ण जिसके लिए स्वयं कहते हैं, न तथा मे प्रियतम आत्मा ज्योनिर न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवान। हे उद्धव, तू मेरे जितने प्रिय हो, मेरे बेटा ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं, हरिहर एकात्मा शिव भी इतना प्रिय नहीं, लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे बड़े भैया श्री दाऊ भैया भी इतना प्रिय नहीं, यहाँ तक भी मैं भी इतना मेरा प्रिय नहीं, तू मेरे जितना प्रिय हो। ऐसे उद्धव जैसे व्यक्ति जहाँ पर आ करके हैं
जहाँ पर आकर के ब्रजवासियों का प्रेम को जब देखा, ब्रज गोपियों को प्रेम को जब देखा, तब श्री राधा रानी के प्रेम को उन्होंने देखा कि तो उद्ध शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। जहाँ पर उद्धव चकाचौंध हो गए और जहाँ पर राधा रानी के चरण की एक धूल को उन्होंने वंदना की। जब गुरुदेव उद्धव की आड़ में जाते थे उसी भाव में आविष्ट हो जाते थे और बड़े हैं बड़े मधुर से मधुर लीला कथाओं का श्रवण कराया करते थे और वहीं पर जमीन पर लोटपोट होते थे। बोलते थे यहाँ का एक धूल भी वो ब्रज प्रेम को दे सकते हैं। जहाँ पर राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ प्रेम की चमत्कारिता जहाँ पर प्रकट हुआ। गुरुदेव जब गिरिराज गोवर्धन में जाते थे, गिरिराज की परिक्रमा करते थे, हम स्वयं देखा गुरुदेव भी ऊपर का वस्त्र उतार करके श्री गिरिराज के चरण में साष्टांग प्रणाम करते थे और वो धूल में लोट पोट खाते थे। गुरुदेव कहते थे ये ब्रज प्रेम को देने वाले ये हरिदास वर्ज्य हैं, जिसको श्री राधा रानी स्वयं कहते हैं, हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम। कहते गुरुदेव के तीन हरिदास है। कहते श्री युधिष्ठिर महाराज ये हरिदास है, हरिदास वर श्री उद्धव जी और हरिदास वर्ज्य श्री गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए राधा रानी स्वयं कहते हैं ये हरिदास वर्ज्य जिन कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जो घास रूप में गिरिराज की रोंगटे खड़े हो जाते थे, गिरिराज से जो झरना के पानी बहती वो पानी नहीं कृष्ण का चरण स्पर्श करके गिरिराज के आंखों से आंसू की प्रवाहित तो हो रही है। गिरिराज की शिला को दर्शन करो वो जैसे लगता है हाथ में पकड़ो जैसे लगता है जैसे मुलायम, जैसे उसमें कोई तेल लगाए घी लगाया ऐसे मुलायम क्यों है? क्योंकि कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके गिरिराज गोवर्धन स्वयं ये द्रवीभूत हुए हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम का है कहते जो जम करके रूप कोई रूप जम जाए कहीं पर कहते श्री गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए गुरुदेव कहते थे उद्धव जी जब उन्होंने ब्रज प्रेम के महत्व को देखा उन्होंने गिरिराज तलेट में ही घास रूप में भजन किया। नारद भी नारद गोपी बनकर तपस्या किया। हमारे जितने रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जितने गोस्वामी लोग भी गिरिराज तलेटी में वास की उन्होंने प्रार्थना की है, निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णात्वम। सो गुरुदेव जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे भावाविष्ट होकर गुरुदेव परिक्रमा करते थे, ब्रज रज से प्रार्थना करते थे, हमारे हृदय की कामना की इच्छाओं को आप ही पूरी कर सकते हो। जब गुरुदेव श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते थे, यद्यपि नवद्वीप धाम का परिक्रमा सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया है, लेकिन प्रारंभ करते करते उसी धारा को बाद में श्री पुनः श्री भक्ति श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास कहते श्री इन्होंने की है। उसको बाद में नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को लेकर के फिर श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा कराया। उसको बाद में यही परिक्रमा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद पुनः उसको प्रवर्तन किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 जब हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जब श्री नवद्वीप धाम को परिक्रमा की, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आच्छजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है में मर नाम, सचमुच से जब गुरु जी जब उन्होंने नवद्वीप धाम की परिक्रमा की हजार हजार लोग परिक्रमा कर रहे थे, हजार हजार लोग। भक्त विनोद ठाकुर ने कहा था एक दिन ऐसे आएगा काले गोरे दोनों इकट्ठे होकर के निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरि बोल ये दोनों कीर्तन करेंगे परिक्रमा करेंगे। कहते गुरु जी का समय में हम लोगों ने देखा यद्यपि दूसरे दूसरे गौड़िया मठ के लोग परिक्रमा करते हैं इसको भी परिक्रमा करता है, लेकिन देखा गुरुदेव परिक्रमा में हमने देखा सारे परिक्रमा में जितने लोग हैं दूसरे दूसरे को साथ में परिक्रमा करते हैं उसको अगर एकत्रित कर दिया जाए। जब हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज परिक्रमा की इनका परिक्रमा का लोग इनसे भी ज्यादा दिखता था, इतने विशाल रूप में गुरुदेव ने श्री नवद्वीप धाम को परिक्रमा कराए और हर साल भी उन्होंने ये धाम परिक्रमा को हर साल गुरुदेव करते थे। हर महाप्रभु का लीला स्थलियों में जाकर के महाराज भावाविष्ट होकर के महाप्रभु का प्रेम में संपूर्ण डूबते हुए गुरुदेव बड़े सुंदर भावुकता साथ में
महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीला कथाओं को सुनाया करते थे। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान थे जो कि गुरु जी के आनुगत्य में, क्योंकि शास्त्र में बताए कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतपि यदि लभ्यते तत्र मूल्य में कलम कोटि सुकृतिरे अपि न लभ्यते। इसलिए राय रामानंद प्रभु कहते हैं अगर जीवन में ऐसे कोई हमें भक्त का संग मिले जो कृष्ण रस भाविता मति, मतलब गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे रुई को पानी में डुबो दो, जैसे उसके कण कण में जैसे पानी समा जाता है, अगर जीवन में ऐसे कोई संग मिले जो कृष्ण रस में जो संपूर्ण सरावर हुए हो, ऐसे अगर किसी भक्त का अगर संग मिल जाए, बोले करोड़ों करोड़ सुकृति को द्वारा जो वस्तु प्राप्त करते हैं उससे भी ज्यादा भगवत प्रेम प्राप्त होता है अगर ऐसे कोई भक्त मिल जाए। अगर कोई राधा रानी का कोई प्रिय सखी मिल जाए फिर तो कहना की बात क्या। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान थे, गुरुदेव राधा रानी की एक रमण मंजरी एक सखी है, इनके आनुगत्य में हम लोगों ने श्री ब्रजमंडल परिक्रमा श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा हमने की। अपने आप को हम लोग बड़े सौभाग्यवान समझते हैं। इसलिए हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। पांचागल्प दुर्भ्य कृपा सिंधु भय बच पतिता नाम पावने भो वैष्णव नमो नमः। ओके okay?